एक बाउल आलू लेंगे, धनिया और चावल का आटा। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया। इसमें आप ऑप्शनल है, इसमें आप पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हो। और इसमें आप ऐड करोगे चावल का आटा। चावल के आटे को आप बारीक पीस लोगे मिक्सी में, इतना बारीक नहीं पीसना है, आटे की तरह नहीं बनाना है, हल्का सा खुरदरा रख देना, इससे क्रिस्पी बनाता है टिक्की में। चावल के आटे को आपने धीरे धीरे मिक्स करना है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं भूल गई थी यहाँ पे, आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब हम बनाएंगे टिक्की। आप पे डिपेंड करता है कि आपने लोई ली है, मुझे इतने साइज की टिक्की पसंद है। एक पैन में हम तेल लेंगे, देखो गाइस टिक्की का कितना अच्छा कलर आया है। टिक्की हमारी बनके रेडी है, एंजॉय।